गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एंड एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यू सीरीज़ के बारे में, लाइक सीरीज जिसके बारे में आपको पता ही होगा, जिसकी फ़ोटोज़ से आप काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे। ये काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ है ये नेटफ्लिक्स पे, तो आपको शायद इसके बारे में पता ही हो। इसके मैंने 3 सीज़न कंप्लीट किए। जब थर्ड सीज़न आया तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, बट मैंने एक एपिसोड देख के छोड़ दिया। मुझे लगा कि कितने 30 एपिसोड कौन देखेगा, बट फिर उसके बाद दूसरा देखा, तीसरा देखा, और फिर चलते चलते हमने एक महीने में तो नहीं, हाँ मतलब 3 हफ्तों में ये सीरीज़ ख़त्म कर दी स्लोली स्लोली। लाइक फर्स्ट सीज़न ठीक ठाक था, सेकंड सीज़न में बहुत बढ़िया था। लाइक सेकंड सीज़न में सबसे अच्छा लगा, थर्ड सीज़न भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, मैं बुरा नहीं कहूँगा, बट सेकंड सीज़न पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें चीज़ें ऐसी लगती हैं लाइक, चलो फर्स्ट सीज़न से स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो छोटी होगी। फर्स्ट सीज़न में हमारे जो भैया जो मैनेजर हैं बुक स्टोर में, लाइक उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, उनके चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उनका लाइक वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं किसी बंदे को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी लाइफ में किसी को भी प्रोटेक्ट करना है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम में जाते हैं। एंड ये इस वीडियो में लाइक ये इस पूरी सीरीज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। स्टार्ट होती है, बैक का करेक्टर आता है एंड भैया उनके पीछे लग जाते हैं, और उसके उनको बचाने के लिए जो उनको लगता है कि मैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या क्या करते हैं इस पूरे सीज़न में, लाइक फर्स्ट सीज़न में, वो आपको देखने को पता चल ही जाएगा। एंड आखिर में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो भी आपको देखने को पता चल ही जाएगा। ओवरऑल जो जो का करेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम में जाता है, एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा ऐसा बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा प्यार में डूब जाता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, बट उसका तरीका किसी को बचाने का काफ़ी ज़्यादा गलत है। एंड सीरीज में काफ़ी ज़्यादा फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मोमेंट भी होते हैं। एंड 18+ सीरीज़ है, वो सीरीज़ शो ही करती है पूरी सीरीज़। एंड फर्स्ट सीज़न वर्थ वाइल था बात देखने का, एंड मज़ा आता है सीरीज देखने को। एंड कैसे उसको मर्डर करने के बाद कैसे उसको मतलब उसके लौड़े लग जाते हैं, वो कैसे सेटलिंग करता है, एंड वो सब आपको पता लगेगा। बट सेकंड सीज़न जो काफ़ी बढ़िया था, जो सरप्राइजेस से भरा हुआ था, एंड सही में सरप्राइजेस से भरा हुआ था, हर एक जगह पर सरप्राइज थे। एंड इन दी एंड कि अब वो नए शहर में आ चुका है, क्योंकि उसके पीछे पड़ चुकी है कैंडिस, जिसके साथ भी उसने कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था। अब उसके पीछे तब मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बन जाता है, बट ओवरऑल कैंडिस का इतना बड़ा रोल होता ही नहीं है पूरी सीरीज़ में। वो आती है, फिर चली जाती है, फिर उसकी मौत, ये स्पॉइलर हो गया, फिर उसकी मौत हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। एंड ओवरऑल कुछ भी नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ कि ओवरऑल कुछ भी लाइक उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता, बट रोल होता है लव का। और पहले तो लगता है चीज़ें ऐसी ही जा रही हैं, बट फिर वो दिखा देता है अपनी स्टॉकिंग वाली थिंग, कितना ज़्यादा माहिर है उस चीज़ में वो, एंड सब चीज़ें पता करके रखता है। इंस्टाग्राम पे भी इसीलिए खोलता है क्योंकि अपने क्रश को इम्प्रेस करना है, एंड सब चीज़ें इम्प्रेस काफ़ी जल्दी हो जाती हैं। बट उसको अपने आप को लाइक सेकेंड सीज़न वो सीज़न भी था ना, इसमें उसने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता, उसने काफ़ी ज़्यादा लाइक ट्राई किया, और उसने अपने एक बंदे को छोड़ा भी, अपने दोस्त को नहीं बोलूँगा जिसका उसने आइडेंटिटी चोरी किया था। एंड ऐसा लगा कि सेकंड सीजन में अपने आप को वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लाइक फर्स्ट और सेकंड सीजन दोनों में थोड़े थोड़े फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं उसके चाइल्डहुड के, कि क्यों उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया जाते हैं, और काफ़ी अच्छी जगहों पे दिखाए जाते हैं, एंड वो काफ़ी बढ़िया होता है। लाइक जब सेकंड सीज़न एंड होता है तो लगा कि थर्ड सीज़न कैसा होगा, बस दिमाग में नहीं था, लगा कि अब एंड है, वो सुधर जाएगा। सेकंड सीज़न का जो लास्ट एपिसोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस आपके सामने रख देता है। एंड अब दो करेक्टर मेन हो जाते हैं थर्ड सीज़न में, जो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना चाहते हैं एक दूसरे के लिए। एंड वो कैसा होगा, क्या वो अभी लाइक एक दूसरे के लिए बने हैं, कितने वो एक्सट्रीम में जा सकते हैं,
एंड जब दो एक्सट्रीम बंदे जू एंड लव एक रिलेशनशिप में होते हैं, एक साथ होते हैं, तो चीज़ें और एक्सट्रीम चले जाती हैं। वो एक दूसरे के लाइक एक दूसरे की तरफ कम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उनको एक चीज़ समझ आती है कि वो क्यों ऐसे हैं। वो अपने लाइक अपने अपने प्रतिबिंब से डरते हैं, लाइक उनको एक दूसरे में लाइक मेटाफोर फीलिंग आती है, एक दूसरे को एक दूसरे में देख सकते हैं, एंड वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते हैं। इससे पता लगता है वो खुद को कितना नफ़रत करते हैं जो वो काम कर रहे हैं, बट वो फिर भी हर एक बार हो जाता है। ये सीरीज़ ने काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट किया है। दूसरी चीज़, कैसे आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आपको कहाँ तक छोड़ सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया है। कैसे आप एक टेरेबल इंसान बन जाते हैं, और कैसे आपको मौके भी मिलते हैं ज़िंदगी में, बट आप लाइक सेकंड सीजन में लगा था कि उसने हार मान ली है, अभी वो जाने वाला है, कि अभी वो ठीक है, कि अब जितनी भी लाइफ कि मैं डिज़र्व करता हूँ जो भी मैंने किया, और वो सब कुछ सही लग रहा था एक वक्त तक। उसने चूज़ कर लिया था अपने लिए कि अभी हाँ अभी जेल में जाना ही सही है, क्योंकि मैंने गलतियाँ की हैं। एंड बट उसके बाद लव का करेक्टर आता है, एंड थर्ड सीन के एंड में वो खुद उसको मारना चाहती है, और वो सरप्राइज कर देता है उसको, कितनी लाइक कितनी तेज़ माइंड गेम्स खेलते हैं वो। एंड कैसे जो का एक हिस्सा थोड़ा सा अच्छा भी है, जिसकी वजह से वो लाइक थियो के करेक्टर को बचाता है। एंड एंड में जो मैस होता है शैरी और कैरी के बीच में, वो केज में, जो केज मिस्टीरियस है, वो केज का भी काफ़ी ज़्यादा लाइक जो से कनेक्शन है, क्योंकि जो जब लाइक उसको बुक स्टोर ओनर ने उठाया, जो पता नहीं रशियन मिलिट्री में था, एंड उसने उसको उठाया, एंड उसको जब भी वो कोई गलती करता तो उसमें लॉक कर देता, और दिमाग में चीज़ पहुंच गई कि अगर किसी को सही करना है तो या तो पनिश करो, अगर प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करना है प्रोटेक्ट, लाइक सीरियसली कई कई चीज़ों में लगा। और थर्ड सीजन में तो वो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर जब शैरी और कैरी को लाइक पहले तो वो क्या करना चाहते होते हैं मुझे समझ नहीं आती। वो जो एपिसोड होता है काफ़ी ज़्यादा, कि वो एक चीज़ मान जाते हैं वो चीज़ करने को, लेकिन मैं बोलता हूँ यू चलो छोड़ो, ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं ज़िंदगी में। बट उसके बाद जो होता है ना वो केज में, उन दोनों की केमिस्ट्री, और कैसे एक दूसरे के लिए, और लाइक वो लाइक यही होता है जो अच्छे एक दूसरे को डेफिनेटली केयर करते हैं एक दूसरे के लिए, वो और नज़दीक आ जाते हैं मुश्किल टाइम में। एंड कैसे वो लास्ट वाला सीन वो निकालते हैं, वो कितना बढ़िया होता है। एंड उसके बाद एक सीन आता है जब वो अपना जो गोल्डबर्ग वो लव क्वीन का लाइक सफाया कर देता है, वो लाइक वो सीन भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, कैसे वो सबूत छोड़ता है, अपनी उंगलियां छोड़ता है वहाँ पर, एंड खुद का मिटा देता है, एंड कैसे वो हेनरी को लाइक दे देता है, लाइक उसको मैं नाम भूल गया बोलने का। इस सीरीज़ में अट्रैक्टिव और लाइक अट्रैक्टिव वो किसी और के लिए हो जाते हैं, तो इस बात से ये पता लगता है कि वो किसी को वो लव से ज़्यादा हमेशा अट्रैक्शन के पीछे भागता है, और दोनों भागते हैं, ये चीज़ पता लग जाती है। एंड वो किस हद तक जाते हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, एंड कैसी फ्रस्ट्रेशन, कैसे सीन्स होते हैं, और कैसे उनकी जो लव लाइफ थी बिल्कुल नीचे गिर जाती है शादी के बाद, कैसे वो खुद को कभी नहीं प्यार कर सकते, क्योंकि वो खुद का वो हिस्सा है जो जो हैवानियत का हिस्सा है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। एंड जब वो किसी दूसरे में अपने आप को देखते हैं, जैसे लाइक जो ने लव के अंदर अपने आप को देखा, और लव ने जो के अंदर अपने आप को देखा, वो मेटाफोर, तब वो लाइक बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, और ये चीज़ होती है, और ये वीडियो लाइक ये सीरीज़ पूरी तरह वो पोर्ट्रेट करती है। एंड मैं बोलूँगा कमाल की सीरीज़ देखनी चाहिए, अगर आप एक अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगा इस सीरीज़ की, एंड तक आप अमेज़ होंगे सीरीज़ के बारे में। वो शैरी और कैरी वाला सीन वो काफ़ी बढ़िया था एंड में, एंड ओवरऑल इस सीरीज़ के बारे में बातें करने वाली बहुत हैं, अगर आपको एक और वीडियो चाहिए इस सीरीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बताऊंगा। एंड किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले तो लाइक
किसी को रिस्ट्रिक्ट करना या लाइक प्रोटेक्शन नहीं होती वो बिल्कुल भी। अगर आप अगर अब मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप देखोगे सीरीज तो आपको समझ आ जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।